हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ आपकी दोस्त श्वेता और आज लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू रेसिपी। और आज की हमारी रेसिपी है भरवा मिर्च कलौंजी। जी हाँ, आज हम भरवा मिर्च कलौंजी बनाने वाले हैं और वो भी बिल्कुल सिंपल और सादे ढंग से, और बहुत कम समय में आज हम बनाएंगे इस भरवा मिर्च कलौंजी को। और इस भरवा मिर्च को आप दाल, चावल, रोटी, पराठा किसी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इस भरवा मिर्च को आप आराम से 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं और ये खराब होने वाला नहीं है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये टेस्ट में। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा से छोटा रेसिपी का वीडियो लेके आऊँ ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और हाँ, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ शेयर भी मार दीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स के पास पहुंच सके मेरा वीडियो। वैसे तो ये भरवा मिर्च बहुत स्टाइल से बनाई जाती है और हर स्टाइल में अलग अलग टेस्ट होता है। एक बार मेरे स्टाइल से बना के टेस्ट करिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना तीखी और स्पाइसी चटपटा भरवा मिर्च कलौंजी बनाना। तो इसके लिए हमने ले लिया है 250 ग्राम हरा मिर्च, वो भी बड़ा वाला, और इसी हम मिर्च से बनाएंगे भरवा मिर्च कलौंजी। तो चलिए अब हम मिर्च के डंठल्स को काट के निकाल देंगे। और ये देखिए, हमने सारे मिर्च के डंठल्स को चाकू से काटे हैं, हाथ से नहीं तोड़ना है। और अब हम मिर्च में एक कट लगाएंगे, एक साइड से हमें लंबे कट लगाना है ताकि हमारा मिर्च का अंदर का पार्ट जो भी है सब निकल जाए। और फिर हम चाकू से धीरे धीरे उसको कट करके सारे बीज हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमने मिर्च को एकदम खाली कर लिया है अंदर से और इसको हम निकाल के एक साइड रखते जाएंगे। अब ऐसे ही सारे मिर्च के हम बीज और अंदर के पार्ट्स को निकाल लेंगे कट लगा लगा के। तो ये देखिए, हमने मिर्च के सारे अंदर के पार्ट निकाल लिए हैं और सारे मिर्च हमने अंदर से झाड़ लिए हैं। अब हम रख लेते हैं इन मिर्च को प्लेट में और फिर जो हमने अंदर से पार्ट निकाले हैं बीज वो सब हम एक साइड रख के चाकू से बारीक कटिंग कर लेंगे, एकदम बारीक कटिंग कर लेंगे। जितना बारीक हो सके आप उसको कटिंग कर लीजिए, क्योंकि इन बीजों को हम मसाले में मिक्स करके फिर से मिर्च में भरने वाले हैं तो इसलिए हम एकदम बारीक कटिंग कर लेंगे इसको। और ये देखिए, हमने कटिंग कर लिया है। तो चलिए इसको रख लेते हैं हम उसी मिर्च वाले प्लेट में एक साइड। और अब ले लेंगे हम एक लहसुन और लहसुन की सारी कलियों को अच्छे से तोड़ के छिलके निकाल कर साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए, हमने सारे लहसुन की कलियों को अच्छे से छील के साफ़ कर लिए हैं और इनको अब रखते हैं हम एक साइड। और अब ले लेंगे हम एक छोटा सा प्लेट और इस प्लेट में हम ले लेंगे 50 ग्राम पचफोरन। हम पचफोरन मसाला इस कलौंजी में यूज करने वाले हैं। इस मसाले में हम आपको बता दें 5 मसाले हैं, इसलिए हम इसको पचफोरन बोलते हैं। और फिर 2 चम्मच ले लेंगे खड़ा धनिया और 4 से 5 सूखा लाल मिर्च। और अब हम गैस को कर लेंगे ऑन और गैस पे रख लेंगे एक पैन। और पैन गर्म हो जाने पर हम इन मसालों को डाल देंगे पैन में ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। पचफोरन मसाला मार्केट में आसानी से मिल जाता है, अगर ना मिले तो मैं आपको बता दूं पचफोरन मसाला में मैंने क्या क्या डाला है। सबसे पहले इसमें रहता है मेथी, राई, सौंफ, मंगरेल और उसके बाद इसमें रहता है जीरा। इन 5 मसालों को मिक्स करके एक पचफोरन मसाला बनाया जाता है। तो चलिए, हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है मसालों से। अब ले लेंगे एक मिक्सर जार और मिक्सर जार में हम भुने हुए मसालों को डाल देंगे और फिर छिले हुए लहसुन की सारी कलियां भी डाल देंगे हम मिक्सर जार में। और फिर हम ऊपर से डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और फिर हम मिक्सर जार में डाल लेंगे 1/2 कप पानी और फिर हम अच्छे से ग्राइंड करके एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। मसाला पीसते समय कम से कम पानी का यूज करना है और जितना हमारा मसाला ड्राई रहेगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए, हमने मसालों को अच्छे से पीस लिया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इन मसालों में अब डाल लेंगे हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और
हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। हमने एक छोटा चम्मच नमक डाल लिया है और फिर आधा छोटा चम्मच हम हींग डाल देंगे और फिर मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन मिक्स किए हुए मसाले में हम डाल देंगे जो हमने हरी मिर्च से बीज निकाल के रखे हैं, सारे बीजे हम डाल देंगे इस मसाले में और फिर मसालों के साथ उनको मिक्स करके एक अच्छा सा स्टफिंग तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारा भरवा मिर्च का स्टफिंग तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम एक एक करके मिर्च में भर लेते हैं। इस भरवा कलौंजी को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत कम समय में बन भी जाता है। हम बस इसको भर के 2 से 3 मिनट इसको हम गैस पे पकाएंगे। तो चलिए अब हम मिर्चों को अच्छे से इस मसाले से भर लेते हैं। और ये देखिए हमने हरी मिर्च को अच्छे से भर लिया है, क्योंकि हमने अंदर एकदम खाली कर लिया था इसलिए मसाले ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। और ऐसे ही हम सारे मिर्चों में मसालों को भर लेंगे। और ये देखिए हमने सारे मिर्च में मसालों को भर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ और गैस को कर लेते हैं ऑन। और उस पर रख लेंगे एक हम पैन और पैन में डाल लेंगे 2 चम्मच तेल। इस कलौंजी को बनाने के लिए हमें तेल कम से कम यूज करना है। तो चलिए तेल हो चुका है गर्म और अब हम डाल देंगे कढ़ाई में अपने भरे हुए मिर्च यानी कि भरवा मिर्च। अब हम एक एक करके सारे भरवा मिर्च को कढ़ाई में डाल देंगे और हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए गैस मीडियम फ्लेम करके। हमें इस कलौंजी को ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि हमारा मसाला ऑलरेडी भुना हुआ है और मिर्ची में जितनी क्रंचीपन रहेगी हमारा कलौंजी उतना ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम बस 2 मिनट कवर करके इसको पकाएंगे और 2 मिनट बाद इसको हम दोबारा पलट के पका लेंगे। और ये देखिए हमने इसको पलट दिया है ताकि दूसरे साइड से भी हमारा 2 मिनट मिर्ची पक जाए। और पलट के हम 2 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे गैस मीडियम फ्लेम करके। और ये देखिए 2 मिनट बाद ये गैस को कर दिया हमने बंद और ये फाइनली हमारा मिर्ची का भरवा कलौंजी तैयार है बनकर खाने के लिए। तो चलिए गर्मा गर्म भरवा कलौंजी को हम सर्व कर लेते हैं। आप इस भरवा कलौंजी को चावल दाल और रोटी पराठा किसी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत लाजवाब इसका टेस्ट है। तो देखा आपने कितना सिंपल कितना आसान तरीके से हमने क्यूक भरवा मिर्च की कलौंजी तैयार की और वो भी इतना टेस्टी और इतना स्वादिष्ट। तो देर किस बात की, फटाफट आप भी एक बार इसको बना के टेस्ट करिए। और हम चलते हैं आपके लिए ऐसी ही न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो की तैयारी में। आशा करते हैं मेरा रेसिपी आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी मार दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।